यह कहानी एक ऐसी व्यक्ति को दर्शाती है जो कि बहुत ही खूंखार है और प्यार के मामले में बहुत ही ईमानदार है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। कहानी की शुरुआत में हम रणविजय को देखते हैं। रणविजय की कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पिता मतलब कि बलवीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसलिए रणविजय अमेरिका से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से और विजय को मालूम चलता है गीतांजलि की दो दिन के बाद शादी होने वाली है, जबकि विजय जो है वह गीतांजलि को बचपन से पसंद करता है, वह गीतांजलि से शादी करना चाहता है। अब आगे हम देखते हैं कि विजय के पापा मतलब बलवीर सिंह का जन्मदिन है और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। तो पहले जानते हैं हम विजय की फैमिली के बारे में। विजय की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसके दादाजी है और उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम रूप है और रूप के हस्बैंड वरुण है, मतलब कि विजय के जीजा जी, और उन दोनों की ही एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर विजय की छोटी बहन भी है, उसका नाम प्रीत है। बलवीर के जन्मदिन के लिए सभी ने कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए थे, लेकिन विजय ने कुछ भी लेकर नहीं आया था। अब क्योंकि बलवीर का जन्मदिन है इसलिए उनकी इस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम की बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, इसके सारे कामकाज वरुण संभालता है और शायद उसे ऐसा लगने लगा है कि वह बलवीर का जवाई ही नहीं बेटा भी है, इसलिए वह विजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, जिसमें उसकी बहन रूप भी उसके पति का ही साथ देती है। तो यहाँ पर विजय और वरुण के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो रूप विजय से वरुण को सॉरी कहने को कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशलाइट में जाती है। जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में था तो कॉलेज में रैगिंग चला करती थी, इस वजह से रूप तंग आ चुकी थी। उसे लड़के छेड़ा करते थे, परेशान होकर उसने बार बार अपने पिता को कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और जब यह बात विजय को मालूम चली तो वह तुरंत ही कॉलेज चला गया, जहां पर कि उसके हाथ में गन भी थी और उसने वह गन चला भी दी थी, जिसके बाद वह लड़के भी मिल गए थे जो कि रूप को तंग किया करते थे। तो विजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा भी दिया था, जिसके बाद विजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं, क्योंकि विजय ने कॉलेज में गन लेकर चला गया था और वहां पर उसने फायर भी की थी। इस वजह से बलवीर यहां पर विजय को बहुत मारता है और इसी चीज से तंग आकर यहां पर बलवीर विजय को अमेरिका की बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। आप कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि अपने जीजा जी से झगड़े वाली बात जो है बलवीर को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वह अपने बेटे मतलब कि विजय से बात कर रहे थे। बातों में विजय यहां पर बलवीर से उल्टी सीधी बातें बोल देता है, जिस वजह से बलवीर फिर से विजय को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। और जब वह अपने घर के गेट पर पहुंचता है तो उसे वहां पर गीतांजलि मिलती है, जिसके बाद वह गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता है, क्योंकि ना तो गीतांजलि की फैमिली सपोर्ट कर रही है और ना ही विजय की फैमिली, इसलिए विजय अपने प्राइवेट जेट से एक खूबसूरत जगह पर जाने लगता है। इस प्राइवेट जेट में दोनों ही बहुत ही अच्छे खूबसूरत पल बिताते हैं, जिसके बाद वह उसे बर्फीली जगह पर ले जाता है, जहां पर जाने के बाद विजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं। अबे विजय और गीतांजलि दोनों ही अमेरिका में रहने लगते हैं, जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां पर कि विजय वापस इंडिया आ चुका था और उसके साथ एक बहुत बड़ी गैंग भी है और गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे। अब हम देखते हैं कि विजय जो है वह अपने जीजा जी मतलब कि वरुण को मार डालता है, जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर कि हम देखते हैं कि दो बाइकर्स ने बलवीर सिंह को दो गोली मार दी थी, जिस वजह से बलवीर सिंह जो है वह बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। अमेरिका में बैठे विजय को यह सब बातें न्यूज के माध्यम से पता चलती है। विजय को जब पता चला कि उसके पापा को गोली लगी है तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस लौट आया। विजय जब अंदर जाता है और अपने पापा से मिलता है तो बलवीर सिंह ने यहाँ पर विजय को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और बलवीर बोलता है कि जब पहली गोली चली तो मुझे सबसे पहले तेरी याद आई। विजय बोला, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से मिलता है और दादाजी भी विजय को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि विजय 8 साल के बाद अमेरिका से लौटा था। विजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने पिंड जाता है। तो यहाँ पर मालूम चलता है कि विजय के दादाजी जो है वह तीन भाई है, तो एक तो विजय के दादाजी हो गए, दूसरे नंबर वाले यहाँ होते हैं।
विजय के दादाजी का एक और भाई भी है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद विजय पिंड से अपने सभी भाइयों को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि अब आपके ऊपर जरा सी भी आंच आ जाए तो वह पूरी दुनिया जला देगा। विजय अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका बॉडी डबल बनाया है जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर पर रहकर ही काम करना होगा। जो भी मीटिंग होगी वह सारे मीटिंग्स कैलाश जी संभालेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक यह मालूम नहीं चल पाया है कि आखिर वह कौन थे और गोली किसने चलवाई है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैलाश जी जो है वह बुलेट प्रूफ कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एक विलन की और वह कैलाश जी को पूरी तरह से घेर लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। उन्हें लगता है कि यह बलवीर सिंह है जबकि यह तो कैलाश। तो अब सभी लोग कैलाश जी के लिए इकट्ठे होते हैं और तभी यहाँ पर सभी के सामने बलवीर सिंह खड़े हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक रह गए थे और यहीं पर हम वरुण को भी देख पाते हैं जो कि उस विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा है। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि वह जो भी बात कर रहा है वह सारी बात विजय को सुनाई दे रही है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। यही कारण है जिस वजह से विजय ने वरुण को मार दिया था और यह बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगी थी। तब विजय उसे कहता है कि अगर मैंने तुझे कारण बता दिया तो तेरी आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विजय ने रूप को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलवीर समझकर कैलाश जी को पर इतना खतरनाक अटैक हुआ था, इसलिए विजय जो है वह कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए वह बड़े से गन डीलर को अपने होटल बुला लेता है और डील करने लगते हैं। और जब वह लोग डील कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है। तभी गन डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। विजय मशीन गन को शुरू करता है और चालू करते ही वह सभी लोगों को ढेर कर देता है। लेकिन इसी वजह से विजय को यहाँ पर 6 गोलियां अलग अलग जगह पर लग चुकी थी। इस वजह से विजय पूरी तरह से जख्मी हो गया था और 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। जब 15 दिनों के बाद विजय उठता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम चलता है। पहली प्रॉब्लम तो यह थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम बचे थे। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि विजय ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। तो विजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और विजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसे हार्ट का दाता मिल जाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा परिवार पहली बार इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म में नए विलेन की जिसका नाम है इसरार। वह बोल नहीं सकता है, मतलब कि वह गूंगा है। और इसरार की 2 शादियां हो चुकी है और आज उसकी 3री शादी भी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो ही रही थी कि तभी एक आदमी इसरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है। और यह सुनने के बाद जो खबर लेकर आया था वह उसे जान से मार देता है। दरअसल विजय ने होटल में जिन भी आदमी को मारा था उसमें से एक वह इसरार का भाई है। अब आगे हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका है। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को भी देख पाते हैं। डोनर जोया का बीएफ है जो यहाँ पर विजय से मिलती है तो काफी उदास लग रही थी और वह विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वह काफी उदास थी। इसलिए वह जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का नहीं हो जाता है तब तक तुम यहीं पर रुको। तो विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर ले जाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है और वह बहुत एंजॉय करते हैं। यह मान लीजिए कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और विजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया यहाँ पर विजय को सब कुछ सच बता देती है। जोया कहती है कि जो तुम्हारा दिल धड़क रहा है वह मेरे बीएफ का नहीं है, दरअसल मुझे इसरार ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्यार में फंसाने के लिए, और जब मौका मिलेगा तो वह लोग तुम्हें आसानी से मार देंगे। यह सुनने के बाद विजय उससे कहता है कि जब तू पहले दिन यहाँ पर आई थी ना तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुझे यहाँ भेजा गया है, बस मुझे यह सारी चीज जानी थी। जिसके बाद विजय जब अपने दादाजी से इसरार के बारे में बात करता है तो वह बता देते हैं कि हम 3 भाइयों में से इसरार के दादा सबसे बड़े भाई थे। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वह उल्टी सीधी गलतियां करता रहता था। इस वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहां पर पहुंचने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली और उनके लड़के का लड़का इसरार है और बहुत सालों पहले वह इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए, लेकिन यहां पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचा दिया गया। और उसके बेटे के बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया, इसी वजह से बलवीर पर अटैक हो रहे हैं।
अब यह सारी बातें हो जाने के बाद विजय जो है वह गीतांजलि के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ है और उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा हुआ था। तो गीतांजलि जब विजय की आरती उतार रही होती है, तभी यहाँ पर विजय जो है वह गीतांजलि को सब कुछ सच बता देता है। वह कहता है कि मैं जोया के साथ रहा हूँ। यह सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वह यहाँ से विजय से दूर जाने लगती है। विजय कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं। यह सुनने के बाद तो विजय को गुस्सा आ जाता है और वह गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वह उसे गोली मार देगा। थोड़ी बात करने के बाद गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय उसे कहता है कि वह उसे डिवोर्स नहीं दे सकता है और बाहर जाकर बस कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और हो सके तो दोबारा शादी मत करना। यह सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। विजय जो है वह अपने नए मिशन पर निकलता है। अपने भाइयों के साथ इसरार को मारने के लिए वह तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर कि वह उसके घर में घुसते से ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर यहां पर इसरार भाग जाता है और इसरार की पत्नियों के द्वारा मालूम चलता है कि इसरार देश छोड़कर जा रहा है अपने प्राइवेट जेट से। यह बात जब उनको मालूम चलती है तो विजय तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। वह अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट होती है। दोनों यहां पर 2 घंटे तक लड़ाई करती हैं। विजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर बदला दिखाई दे रहा था। आखिर में विजय जो है वह यहां पर इसरार को अधमना कर देता है। विजय ने इसरार को जान से मार दिया था। उसे मारने के बाद विजय जो है वह वापस इंडिया आता है और अपने पिता के सामने आकर कहता है कि उसने उसे मार दिया है। अब हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था, इसलिए विजय अपने पिता के पास आता है। वह उनसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चले। लेकिन यहाँ पर बलवीर जो है वह विजय को बताता है कि उसे बीमारी है और उस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं। उन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है और बात धीरे धीरे झगड़ा तक पहुँच जाती है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे टाइम और प्यार नहीं दिया, जो बात अब बलवीर को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी। यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था, इसलिए वह दोनों ही बहुत रोते हैं। फिल्म की कहानी यही खत्म हो जाती है। इसलिए अब पहले चैनल को सब्सक्राइब करो यार। मूवी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना रणवीर, और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है मूवी में रणविजय के दादा। Thank you. Leave a comment below. Like and follow. Like and comment. Don't forget to. For watching. Thanks.